एक सेपरेट टॉपिक पढ़ना है आपको, मैच मैच कि मैच क्या होता है। देखिए मैच का मतलब होता है टू फाइंड रो नंबर और कॉलम नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू। मतलब ये हमारे लिए तो एक वैल्यू ही तो है। अगर मैं हेडिंग में ढूंढ रहा हूं तो हम कॉलम पता कर रहे हैं, और अगर मैं बोल रहा हूं कि बैंगलोर, हमारा जो बैंगलोर लिखा हुआ है ये रो में ढूंढना है, यहाँ पे हम रो नंबर पता करने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग कॉलम नंबर पता करने वाले हैं। तो क्या लगाएंगे, इक्वल टू मैच लुकअप वैल्यू ये हो गया, टेबल एरे हमारा ये हो गया, कॉमा जीरो, दैट्स इट। अगर मेरे को ये पता करना रहेगा कि बैंगलोर कितने नंबर सिटी में है, अगेन मैच लुकअप वैल्यू बैंगलोर ढूंढेगा कहाँ, ऐसे ना, कॉमा जीरो, दैट्स इट, सातवें नंबर पे बैंगलोर, ये देख सकते हैं। अगर आपने हेडिंग को छोड़ के मैच करवाया, मैच अगर आप करवा रहे हो और हेडिंग को छोड़ के करवा रहे हो, तब ये सात नहीं बताएगा, तब क्या बताएगा, छः बताएगा। और मान लो हम इतने दूर से डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इस डेटा के हिसाब से 1 2 3, यानी कि विद इन द डेटा, जो आपने डेटा का सिलेक्शन किया है उस डेटा के हिसाब से वो देखेगा कितने नंबर रो पे हैं, उसके हिसाब से बताता है कॉलम। जैसे मैं यहीं से शुरू करता तब दो ही होता, यहाँ से किया तो तीन हो गया, यहीं से करता तो एक ही हो जाता। सो दिस इज कॉल्ड मैच। इस मैच का यूज करके हम लोग वी लुकअप विथ मैच का यूज करेंगे तो हमारा डायनेमिकली हो जाता है पूरा डेटा। क्या लगाएंगे, इक्वल टू वी लुकअप, दिस इज द लुकअप वैल्यू, जी को फ्रीज करना, फ्रीज नहीं छोड़ेंगे क्योंकि नॉर्मल वी लुकअप के अलावा कोई भी वी लुकअप 2D 3D डायनेमिक इधर उधर जितना भी है बिना फ्रिज का नहीं चलेगा, क्योंकि फ्रिज एक पूरा कॉन्सेप्ट है, सेल रेफरेंस। टेबल एरे हमारा ये हो गया। नॉर्मली गिनते तो हम बोलते 1 2 3, लेकिन मैं बोलूँगा मैच, तो मैच खुद कर लो कि सिटी कहाँ पे है। बस ध्यान देना है कि हमें नीचे नहीं जाना है, इधर जाना है, इसलिए 7 को फ्रिज कर दिया। टेबल एरे हमारा इसका ये हुआ, जहाँ पे वह लुकअप करेगा, लुकअप एरे, एंड देन 0 मतलब एग्जैक्ट, एंड देन वी लुकअप वाला कॉमा 0। ये रहा आपका फुल डायनेमिक वी लुकअप विथ मैच। जो कॉन्सेप्ट हमने वी लुकअप विथ मैच पे लगाया है वही कॉन्सेप्ट हम एच लुकअप वाले डेटा पे भी लगाए। ये ऐसा डेटा है, बस प्रॉब्लम है कि ये जैसे अभी हेडिंग है हमारे मेन डेटा का, वैसे ही क्वेश्चन है, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि ये डेटा आपको ऐसा मिले। मिलेगा कि इस डेटा में आप सिटी पहले निकालो, फिर डिपार्टमेंट, फिर नेम, फिर सैलरी। ऐसे केस में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे एच लुकअप विथ मैच यूज करेंगे। एच लुकअप विथ मैच मतलब होता है इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई। अब हमें इसमें देखना है कि ऐसे जाना है तो 7 फ्रीज हो जाएगा, कॉमा टेबल एरे यानी कि पूरा डेटा फ्रीज, कॉमा रो इंडेक्स नंबर, तो रो के जगह पे हमने लगा दिया मैच। लुकअप वैल्यू सिटी है जिसको कि इधर जाने से रोकना है, तो डी फ्रीज करेंगे और लुकअप कहाँ करेगा, इसके अंदर, और कॉमा, और एक लास्ट कॉमा 0 उसके लिए जो नॉर्मल एच लुकअप का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देता है। अगर आपने एक बार भी लुकअप को ठीक से समझा तो उसमें थोड़ा थोड़ा चीज़ें जुड़ने लगता है, थोड़ा थोड़ा जुड़ने लगता है और हमें आंसर मिलता चला जाता है। अगर आप एक बार आप सिलेबस पे नजर डालें
देखिए v लुकअप मैच, उसके बाद h लुकअप विथ मैच, ओनली मैच, अभी जो ओनली मैच किया था, उसके बाद देखिए v लुकअप मैच विथ नेम मैनेजर, ये बताने की जरूरत नहीं, बस डेटा का नाम दे देंगे, है ना। अब हमारे पास बच गया मल्टीपल वी लुकअप का यूज करना, डुप्लीकेट डेटा मिल जाए तो कैसे यूज करेंगे, और फिर इंडेक्स क्या है, इंडेक्स विद मैच क्या है, इंडेक्स विद डबल मैच क्या है। नहीं, पहले डेटा का नाम दे देंगे तो हमें नेम मैनेजर हो गया। नेम मैनेजर तो जस्ट रेंज को सेलेक्ट ना करना पड़े बार बार, तो हमने नाम दिया, अभी लगा देते हैं, अभी खत्म ही कर देते हैं इसको। इसको बोलते हैं वी लुकअप विथ नेम मैनेजर विथ मैच। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें दो बार इस डेटा में आना पड़ता है, एक बार आता है पूरा डेटा के लिए, इसका नाम रख दिया ओल्ड डेटा, और एक बार आना पड़ता है इसकी हेडिंग के लिए मैच करने के लिए, बस। अब इधर आने की जरूरत खत्म हो गया, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस, सब चीज वही रहेगा, फिंच का कॉन्सेप्ट, ये करेगा ओल्ड डेटा के अंदर, उसके बाद मैच, लुकअप वैल्यू सिटी होगी जिसमें से एच फ्रीज होगा, और ढूंढेगा कहाँ, हेडिंग के अंदर कॉमा जीरो और कॉमा जीरो, दैट्स इट। इसी का एच लुकअप बन जाएगा या वो भी बना दूं? हाँ, कोशिश भी करना है, मैं बना भी देता हूँ। विथ नेम मैनेजर कुछ नहीं करना, दो नेम चाहिए होगा, एक एक ये नाम हो गया हमारा वर्टिकल हेडिंग, और ऐसा रख देते हैं ओरिजेंटल डेटा, डन। कुछ भी नाम रख सकते हैं, इक्वल्स टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई, कहाँ ढूंढेगा, ओरिजेंटल डेटा में, इसका नाम मैंने डेटा का ये नाम दिया है। फिर रो के लिए मैच, ये हमारा लुकअप होगा जिसमें से डी फ्रीज होके कहाँ ढूंढेगा, वर्टिकल हेडिंग, वो तो नाम आप अप्रोप्रिएट आप डालिएगा जो आपके लिए सुटेबल हो, यही था ना, बस। समझने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जब तक आप नहीं समझते हैं तभी तक, इसलिए फर्स्ट दो सेशन हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आज का सेशन बेशक उससे ज़्यादा एडवांस है, लेकिन इम्पॉर्टेंट वो था क्योंकि उसी के बेस पे आपको जल्दी जल्दी हो रहा है, नहीं तो पूरे दिन लग जाता है ये कैच लुकअप मैच और वी लुकअप मैच में ही समझने में, क्योंकि वो समझा हुआ है तो बस मैच करवा दिया हेडिंग टू हेडिंग। अभी हमने एक सिखाया था मैच, मैच हमें क्या देता है, रो या कॉलम नंबर, एक इसका उल्टा होता है इंडेक्स। अब बोले सर उल्टा होता का क्या मतलब है, देखिए टू फाइंड वैल्यू ऑन द गिवन रो नंबर और कॉलम नंबर, मतलब जब सिटी दिया हुआ था तो आपने ये पता कर लिया कि सिटी कितने नंबर कॉलम में था, आपका बैंगलोर दिया हुआ था तो आपने पता कर लिया था कि बैंगलोर कितने नंबर रो पे था। अब ये नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये पूछ रहा है कि तीसरे नंबर कॉलम पे कौन सी हेडिंग है, यानी कि वैल्यू पता करते हैं, इक्वल्स टू इंडेक्स एरे, इसका एरे कहाँ होगा,
हेडिंग फ्रिज, फिर रो नंबर, इस डेटा का रो नंबर क्या होगा? नहीं, रो नंबर तो एक ही है ना, एक ही रो का डेटा है, ए कॉलम नंबर में तीन है, समझ में आए? ये डेटा का मतलब तो एक ही कॉलम का डेटा, एक ही रो का डेटा हुआ ना, कॉलम इसमें बहुत है, रो तो एक ही है ना, ये वन रो हुआ, और J14 मतलब थर्ड। अब थर्ड के जगह पे आप निकालना चाहते हो, मान लो फोर्थ पे क्या है, डिपार्टमेंट है, फिफ्थ पे क्या है, सैलरी है, सेवन्थ पे क्या है, एरर आ गया, वन पे क्या है, तो एम्प्लॉय आई डी है, टू पे क्या है, तो ये इस तरीके से डन। सेम उसी तरीके से ये भी काम करेगा, इक्वल्स टू इंडेक्स, इसका डेटा क्या होगा, ये रो नंबर क्या होगा, सोच के मैं यही तो पूछ रहा हूं कि रो नंबर 6 पे कौन सा सिटी है, रो नंबर 6 पे कौन सा सिटी है, कॉमा, एक ही कॉलम का डेटा है ना, अभी तो एक ही कॉलम, रो बहुत है, कॉलम तो एक ही है ना, जयपुर है छठे नंबर पे। अगर आप पूछ रहे हो सातवें नंबर पे क्या है, सातवें नंबर पे बेंगलोर है, आप पूछते हो दसवें नंबर पे कौन सा, यानी कि ये सीधा इंडेक्स का उल्टा हुआ। ये कॉलम सी में जो डेटा है वही दिखाया जाना है, हमने डेटा ही इतना ही सेलेक्ट किया। देखिए इतना सेलेक्ट करने का मतलब इसमें एक रो बहुत सारे कॉलम्स है, ऐसा सेलेक्ट करने का मतलब एक कॉलम बहुत सारे रोज है। इसमें तो रो नंबर आप देंगे तो बता देगा कि इतने नंबर पे कौन सा डेटा है, और ऐसे में कॉलम नंबर देंगे तो बता देगा कि भाई चौथे नंबर पे डिपार्टमेंट है, तीसरे नंबर पे सिटी है, यही तो कर रहा है। क्लियर हुआ? इंडेक्स और मैच इंडिविजुअली क्लियर हुआ? अब ये क्या होता है, मिक्स हो जाता है, इसको बोलते हैं इंडेक्स विथ मैच। अच्छा, ये वी लुकअप, वी लुकअप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़े सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक जितना पढ़े, क्योंकि ये दोनों तरफ चलता है, रिवर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, इसको यूज कर लिया तो बहुत, लेकिन समझ समझ के करना पड़ेगा, समझ समझ के इस तरीके से करना पड़ेगा कि इसमें दो फंक्शन ऐड होके एक फॉर्मूला बनने जा रहा है, मैच भी फंक्शन था, इंडेक्स भी फंक्शन था, नाउ वी आर गोइंग टू यूज एज ए फॉर्मूला। नहीं, हमने बोला कुछ एम्प्लॉय आईडी है मेरे पास, मैंने यहाँ तक कर दिया कि ये एम्प्लॉय आईडी मे बी कि आपका बीच में है, जैसे रिवर्स कंडीशन में होता, लेफ्ट में था, लेफ्ट में भी कुछ डेटा है, राइट में भी कुछ डेटा, ऐसा कंडीशन में है, और मैंने बोला कि इसकी सिटी निकाल के दो। अब सिटी निकालना मतलब आप तो रिवर्स जा रहे हो, बट हमें क्या करना है, जितने भी एम्प्लॉय आईडी दे रखा है इसका सबसे पहले रो नंबर निकालना, मैच करिएगा किसको, इसको मैच करेंगे कहाँ, इसमें कॉमा जीरो, यही था ना, इससे ये पता चल गया कि जो भी एम्प्लॉय आईडी है यहाँ पे वो चौथे सातवें ग्यारहवें और बारहवें नंबर पे, किसी एम्प्लॉय आईडी को चेंज करके देखिए बदल गया, नीचे का कोई आईडी को हम ऊपर शिफ्ट करके देखते हैं बदल रहा है, यानी कि हमें रो नंबर ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। अभी इंडेक्स सिखाया था मैंने कि हमें पता करना है कि तेरहवें नंबर पे कौन सी सिटी है, भाई तेरहवें नंबर पे कोई भी सिटी हो इसी का होगा ना, ये तो इसका डेटा का पार्ट है ना, तेरह नंबर का मतलब ये इसके सामने वाला इसकी सिटी होगी, इसके सामने वाला इसका नाम होगा, इसके सामने वाला इसका डिपार्टमेंट होगा, वो तो क्या मिल तो गया, इक्वल्स टू इंडेक्स, डेटा कौन सा सेलेक्ट होगा जो निकालना है, रो नंबर निकाल चुके हैं और कॉलम नंबर एक ही कॉलम का डेटा है, ये रहा। अब ये तो रिवर्स में बड़ा आसानी से चल रहा है, रिवर्स का मतलब दोनों तरफ चलता है, कल के डेट में आपको सैलरी निकालनी है, इक्वल्स टू इंडेक्स, डेटा किसका, सैलरी वाला, रो
निकाल चुके हैं कॉलम वन, एक ही कॉलम का डेटा है ना, कॉलम वन। ये तो बहुत आसान लग रहा है, सारा टेंशन ही खत्म कर दिया। बट ये क्यों जरूरी है, जब यही इतना आसान है तो फिर ये तो जरूरी है ही है, ये क्यों जरूरी है? इसका आंसर तो हमें मिल गया कि आगे भी चलेगा पीछे भी चलेगा एक ही फंक्शन से फॉर्मूला बना के, लेकिन और सब क्यों जरूरी है इतना सारा, जो भी लुकअप मैच एच लुकअप, क्योंकि जब आप आईजेपी दे रहे होंगे, आईजेपी मतलब इंटरनल जॉब पोस्टिंग, यानी कभी कभी कंपनी बाहर से किसी बंदे को हायर करने के बजाय अपने ही बंदे को प्रमोट करते हैं, 10% सीट्स नॉर्मली रिजर्व रहता है कि अपने ही बंदे को प्रमोट किया जाए। अब बाहर के बंदे आएंगे, डेटा को समझने में 3 महीना खराब करेंगे, फिर जाके पता चलेगा, हायर सैलरी भी चाहिए। सोचो आप 25 पे हो, बोलेगा कि अगर आपने ये आईजेपी क्लियर कर दिया तो आपकी सैलरी 40 हो जाएगी और आपका सीनियर एनालिस्ट हो जाओगे, तो उसके लिए आप आरएनडी करते हो, उसके लिए आप सीखते हो, उसके लिए आप ट्रेनिंग कोचिंग लेते हो। तो आईजेपी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कंपनीज के अंदर, या फिर कभी स्विच करने का मन किया तो भी, दोनों ही कंडीशन में आपको जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो कोई जरूरी थोड़ी है कि इंडेक्स मैच पूछेगा, वो तो वी लुकअप पूछेगा, हो सकता है रिवर्स वी लुकअप पूछेगा, हो सकता है एच लुकअप पूछेगा, वहाँ थोड़ी ना बोलोगे कि सब काम तो मैं इंडेक्स मैच से कर सकता हूँ, वहाँ पे ये नहीं चलता है, वहाँ देखता है कि आपके पास कितना डेप्थ नॉलेज है। ऐसे तो कई एचआर होते हैं जितना तरीका मैं बता देता उसका आधा भी तरीका नहीं आता पूछने वाले को, आधा भी नहीं आता उन लोगों को, बट लेकिन जो रट के वो पूछ रहा है तो वो तो एक्सपेक्ट वही करेगा आपसे। इंडेक्स मैच अगर पूछ रहा है तो इंडेक्स मैच ही चाहिए उसको, वी लुकअप उसको आता है तो वी लुकअप की ही एक्सपेक्ट करेगा, आप इंडेक्स मैच से बुलाओगे तभी पर नंबर काट लेगा, इसलिए जरूरी है। अब आते हैं, अभी जो हमने किया नहीं, अलग से हेल्पिंग कॉलम बनाई है ना, ये अलग से नहीं बनाई। देखिए इंडेक्स मैच में इंडेक्स पहले आएगा, एरे मतलब जो डेटा चाहिए उसका डेटा सेलेक्ट करो, फ्रिज करो, जैसे नॉर्मली सब रूल है उसको फॉलो करो। फिर रो नंबर, हमें तो इसका रो नंबर पता ही नहीं है, इसीलिए मैच लुकअप वैल्यू ये रहेगा, और इसमें से जी को फ्रिज कर सकते हो या नहीं भी करेंगे तो चलेगा। इसको ढूंढेगा कहाँ, एम्प्लॉय आईडी में, एम्प्लॉय आईडी वर्टिकल चल रहे हैं तो ये एम्प्लॉय आईडी को एम्प्लॉय आईडी में, और कॉमा जीरो, ये तो मैच का जीरो हुआ। फिर आता है कॉलम नंबर, नहीं ये भी लुकअप नहीं है, कॉलम नंबर, कॉलम नंबर एक ही कॉलम का डेटा पे काम कर रहा है, तो बन अब ये आगे भी चलता है पीछे भी चलता है, तो ये तो सारा टेंशन ही खत्म कर दिया। इंडेक्स क्या चाहिए, तो सैलरी चाहिए, लेकिन रो नंबर नहीं पता है, इसलिए इसका मैच लुकअप वैल्यू ये है, ढूंढेगा कहाँ, एम्प्लॉय आईडी में ढूंढेगा, कॉमा जीरो और कॉमा वन, इसलिए कि हमारा एक ही कॉलम का डेटा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, इसके बाद किसी भी लुकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, फुल डायनेमिक, सो दैट इज कॉल्ड इंडेक्स विथ डबल मैच। इंडेक्स विथ डबल मैच, देखिए इक्वल टू इंडेक्स, अब तो हमें सिटी भी निकालनी, सैलरी भी निकालनी, हो सकता है और भी चीजें निकालना पड़ेगा, नहीं इंडेक्स में देखिए, अब यहाँ पे एरे समझना होगा क्योंकि जब आप अभी सिटी निकालते हो तो सिटी सेलेक्ट करते हो, डिपार्टमेंट निकालते हो तो डिपार्टमेंट करते हो, सैलरी करते हो, तो मैं कहता हूँ मैं पूरा ही डेटा सेलेक्ट कर लेता और फ्रेज कर लिया, यहाँ तक कोई डाउट, चाहे हम सिटी का रो नंबर निकाले चाहे
सैलरी का निकालने या डिपार्टमेंट रोल नंबर, तो इनका सेम ही होगा ना सबके लिए, जो मैंने पहला बनाया यहाँ पे लगा दिया मैच किसका इसका। अब यहाँ पे फ्रिज इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि हम खींचने वाले हैं, तो जी को फ्रिज करेंगे और लुकअप एरे ये पूरा है और कॉमा जीरो, ये मैच खत्म। अब क्या होता है कि अगर आप वन देते हो, ध्यान देंगे, अगर जैसे पहले वन देते थे तो वन में नाम है, हमने पूरा डेटा सेलेक्ट किया है ना, अब तो आपको सिटी के लिए वन नहीं टू देना पड़ेगा। हम टू क्यों दें, हम बोलेंगे तुम खुद काउंट करके पता कर लो हेडिंग पे क्या है, सो दैट इज जो भी लुकअप मैच अभी बताया था, एक और मैच हेडिंग टू हेडिंग मैच करवा देंगे। एग्जैक्टली दिस इज द लुकअप वैल्यू, इसमें से आपको थ्री को फ्रीज करना है, आई को फ्री रखना ताकि हम उधर जा पाए, इसको अपने मेन हेडिंग में सर्च करेगा और कॉमा जीरो, दैट्स इट, खत्म। इससे बढ़िया आज तक नहीं कोई फॉर्मूला बना है ना बनने की कोई उम्मीद है। क्यों? देखो डिपार्टमेंट यहां से कॉपी करके यहां चिपका देंगे अपने आप को करने का। सैलरी हो गया, नेम कहां गया, नेम, नेम यहां पे रखेंगे और इस फंक्शन को आगे की तरफ ड्रैग कर देंगे। कल के डेट में नेम हमें डिपार्टमेंट के जगह पे चाहिए और डिपार्टमेंट चाहिए इधर, सॉरी डिपार्टमेंट क्यों गड़बड़ हुआ, वही मैच की वजह से स्पेस का प्रॉब्लम होगा। देखिए स्पेस है ना, हम क्या करेंगे इसको कॉपी करके इसी को पेस्ट कर। ये था इंडेक्स विथ डबल मैच, इसके सामने में कोई भी लुकअप नहीं क्योंकि आगे भी चलता है पीछे भी चलता है, ना एक्स लुकअप की जरूरत है, ना वी लुकअप चूज की जरूरत है, ना वी लुकअप विथ कॉलम की जरूरत है, सारा जरूरत ये पूरा कर दिया। मतलब अभी तक जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें से सबसे बढ़िया किसको माना जाता है, ये हवाई जहाज है। ना रेल, ना इसमें ट्रैफिक मिलता है, ना कुछ मिलता है, सीधा एकदम आंसर आगे पीछे बीच में जाम है, किसान आंदोलन है, सीए है, सीएफए है, कुछ भी है, कुछ भी कर दो कोई टेंशन नहीं है, आगे पीछे कहीं से भी उठा लो, हेडिंग चेंज कर दो, आपका डेटा मिल जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर तो आपको बहुत अच्छी वाली मेहनत कर लेना चाहिए, क्योंकि आप सपोज कि आपको आईजेपी या दूसरा इंटरव्यू नहीं देना है, बट अपने डेटा पे जैसे चाहोगे डेटा को ऐसे नचा सकते, कोई इतने सारे 20 तरीके बताए हैं, किसी की जरूरत है ही नहीं अगर ये हमें मिल गया। अब इसी में जोड़ दो नेम मैनेजर, एक डेटा की जरूरत पड़ती है ओवरऑल, इसका एक नाम देना पड़ेगा, एक बार हमें इसकी जरूरत पड़ती है इसका नाम देना पड़ेगा, एक बार इसकी जरूरत, यानी तीन बार नेम मैनेजर देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इंडेक्स विद डबल मैच विद नेम मैनेजर, बाकी तो बताने की जरूरत है या नहीं है, बता ही देते हैं, नहीं कहां गया इसकी बीच में विथ नेम मैनेजर, ठीक। तीन डेटा की जरूरत पड़ेगी हमें, एक पहला मेन डेटा, इसको हमने मेन डेटा ही नाम रख दिया, एक जरूरत पड़ती है हमें एम्प्लॉय आईडी की, एम्प्लॉय आईडी ही इसका नाम रख दिया, नाम जो रखते हैं उसमें स्पेस अलाउ नहीं होता, ये हमारी हेडिंग, बस ये हेडिंग पहले हम रख चुके हैं, हम हेडिंग का नाम कुछ और रख देते हैं, एच ई हेडिंग इंडेक्स मैच, कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने बड़ा सा नाम रख दिया, इक्वल टू इंडेक्स, कहाँ ढूंढेगा, मेन डेटा में, फ्रिज करने का भी टेंशन नहीं, मैच पहला होता है रो के लिए, तो दिस इज द लुकअप वैल्यू और इसमें ढूंढेगा किसको, फ्रिज किसको कर देंगे, जी को, और कहाँ ढूंढेगा, एम्प्लॉय आईडी में कॉमा जीरो, पहला मैच खत्म, दूसरा मैच शुरू, इसमें इसको ढूंढेगा, इसमें थ्री फ्रीज होंगे और इसको ढूंढेगा कहाँ, हेडिंग मैच डेटा,
नाम तो अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, एक का नाम रख दो रिद्धि, एक का नाम रख दो मनीष, एक का नाम रख दो राजेश, नहीं हाँ अगला बंदा कंफ्यूज, देख के तो कंफ्यूज ही हो जाएगा अगर यहाँ पे कुछ खतरनाक टाइप का नाम रख दिए, इसका नाम शाहरुख खान रख दीजिए, इसका सलमान खान, नहीं इसका अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, नहीं एकदम मजा आ जाएगा, ये क्या है, वो तो एक आर्ट है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर रहे हो। हमने एक बार ऐसे ऐसे नाम रख दिए थे, एक्स लुकअप तो आ गया था, तो एक्स लुकअप सब अल्लाह कर रहा था कि सर एक्स लुकअप क्या होता, तो मैंने नेम मैनेजर में आके वाई लुकअप, जेड लुकअप, SS लुकअप, SD लुकअप, SSC लुकअप, नहीं दिल्ली पुलिस लुकअप का है वो, कौन कौन सा नाम है भाई, क्या है ये सर कब आ गया, यही तो है टेक्निक। एक्स लुकअप क्या है, ये लुकअप चूज का आसान वर्जन है, तो माइक्रोसॉफ्ट वाले बाद में करते हैं, हम लोग पहले उसकी R&D कर लेते हैं। तो ये था अभी तक का कहानी, जिसमें अभी अब सिर्फ दो चीजें बच गई है, इसमें बचा है पहले ये हो गया, अब इसमें सब में नेम मैनेजर वाला भी ऐड हो गया, अब हमारे पास सिर्फ दो ही वी लुकअप और यूज करना है, एक कभी डुप्लीकेट डेटा मिले तब क्या करेंगे, और अलग अलग सीट या अलग अलग फाइल से हमें वी लुकअप लगाना हो तो मल्टीपल वी लुकअप का यूज कैसे करते हैं, ये दो बचा, और ये दोनों के दोनों थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, इस पे आते हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद।